सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूँ जानवी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसा DIY जो आपने आज तक नहीं देखा होगा, और ट्रस्ट मी गाइस, आपको 100% फायदा होने वाला है। आप मेरे नेल्स देख सकते हैं, और आपने बहुत सारे मेरे नेल्स के वीडियो देख रखे होंगे जिसमें मेरे नेल्स बहुत जल्दी ग्रोथ बढ़ जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं एक चीज नहीं अप्लाई करती हूँ, बहुत सारी ट्रिक्स और चीजें अप्लाई करती रहती हूँ। जो मुझे फायदा मिलता है मैं झटपट आपके लिए लेके आती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं कि आप अपने नेल्स को आटे से कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। अब आटा आपको मार्केट में जाके लेना नहीं पड़ेगा, सबके किचन में आटा होता है। तो कैसे क्या करना है वो वीडियो के एंड तक पता चलेगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बिकॉज मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही नेल ग्रोथ रेमेडीज और मेकअप वीडियो मिल जाएंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो आपको एक बाउल लेना है, ये मैंने बाउल ले लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून हम इसमें ये आटा करेंगे, आपको नजर आएगा। और हाफ मैं और ले रही हूँ कि कम ना पड़ जाए, आसपास के नेल्स की स्किन में भी हमें अप्लाई करना है। इसके बाद हम वाटर ऐड करेंगे, ये 1 टेबल स्पून लिया मैंने, और ये 2 टेबल स्पून मैंने वाटर ले लिया है। अब इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे। तो मैंने 1.5 चम्मच आटा लिया हुआ है और 2 चम्मच को वाटर ले लिया है। 1.5 चम्मच मैंने आटा लिया है और 2 चम्मच वाटर, 2 चम्मच पानी ऐड कर लिया है। अब आप ये पेस्ट देख सकते हैं, ज्यादा आपको पतला नहीं करें। तो ये देख सकते हैं, ये पेस्ट रेडी हो गया है, और इसको रेडी करने में कोई भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो पेस्ट मेरा रेडी हो गया है, और पेस्ट रेडी ऐसे ही करना है, ज्यादा आपको पतला नहीं करना है। अब मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ, आप ये देख सकते हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें मेरे नेल्स आप देख सकते हैं कितने ज्यादा व्हाइट हैं, और ग्रोथ नीचे ऊपर हो रही है, कोई नेल्स ज्यादा ग्रोथ हो गई, किसी की कम हो गई है। और ये हैंड के नेल्स आप देख सकते हैं, सब कोई इक्वल टाइप के हैं, सबकी ग्रोथ थोड़ी बहुत हल्का फुल्का नीचे है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे इस नेल्स पे आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा ग्रोथ है, इसकी कितनी कम, इसकी आप देख सकते हैं। बट इसमें आप देख सकते हैं सबकी एक ही टाइप की ग्रोथ है, बिकॉज मैं इसमें अब बहुत ही ज्यादा DIYs और रेमेडीज, एक्सरसाइज, नेल एक्सरसाइज सब यूज करती रहती हूँ। आपने मेरा नेल कटर वाला वीडियो देखा होगा, तो उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने नेल्स कट कर दिए थे, बिल्कुल कट कर दिए थे, कि आपको हल्के फुल्के भी बड़े नजर नहीं आ रहे थे। बट इस टाइम आप देख सकते हैं मेरे नेल्स की नेल ग्रोथ कितनी बढ़ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, ये मैंने आटा लिया है, इसके बाद ये देखिए इस तरह हम आटे को जब मढ़ते हैं तो इस तरह मिक्स करने लगते हैं, ऐसे मिक्स करते हैं। तो जब आप ऐसे मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं नेल्स के नाखूनों के अंदर आटा अच्छे से भर गया है। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, ये देखिए हल्का फुल्का रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, ये देखिए। देखिए इस नेल्स में भी हो गया। अब आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ये जो आटा नेल्स पे भरा हुआ है, ऐसे ही आपको पूरा नेल्स पे आटा भर देना है, हल्का फुल्का भी सांस नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह ये देखिए जो मैं ये कर रही हूँ, इस तरह आपको आटा उठा लेना है, आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे ही आपको करना है। आप देख सकते हैं मैंने ये अप्लाई कर लिया है, इसको सूखने तक अपने नेल्स पे आपको ऐसे ही रखना है, और सूखने के बाद जब ये ड्राई हो जाए फिर आपको वॉश करना है। तो मैं ड्राई होने के बाद वॉश करके आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं नेल्स को मैंने अच्छे से आटा सूख किया था, फिर मैंने वॉश कर दिया। आप देख सकते हैं नेल्स कितने ज्यादा क्लीन, एकदम व्हाइटिश लग रहे हैं। और आपको नेल्स की ये पास की स्किन नजर आ रही होगी, इसमें बहुत ज्यादा ब्लैकनेस हो गया था। अगर आपने नेल सीरम वाला वीडियो देखा हो, नेल सीरम अप्लाई करते करते आप ये देख सकते हैं, ये जो आसपास की स्किन है नेल्स की, वो भी एकदम ब्राइट हो गई है, बहुत ही ज्यादा डार्क हो गई थी। आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि ये आसपास की स्किन बहुत ज्यादा डार्कनेस हो गई थी,
बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, ब्लैक हो गई थी। और अब आप देख सकते हैं सीरम अप्लाई करते करते नेल्स के आसपास की स्किन भी ब्राइट हो गई है। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आटा अप्लाई करने के बाद आपके नेल्स कितने ज़्यादा वाइटिश हो गए हैं, आप देख सकते हैं। जब आप पीछे से नज़र देख लीजिए कितने क्लीन हैं, एकदम से वाइट, एकदम से क्लीन है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कितना प्यारा नेल्स लग रहा है, एकदम सॉफ्ट और क्लीन, एकदम वाइट। नेल ग्रोथ इतनी फास्ट कर देगा। अगर आप अपने नेल्स बढ़ाना चाहते हैं और आपके नेल्स नहीं बढ़ते हैं तो आप जब भी आटा मड़ें तो आपको ऐसे ही, तो आप आटा मड़ते होंगे, इकट्ठा करते होंगे, तो आपके नेल्स में आटा भर जाता है। तो उसको भरे रहने दीजिए, जब वो सूख जाए फिर अच्छे से वाटर, गुनगुने पानी से उसको ऐसे निकाल के साफ कर लीजिए। और जब वो साफ हो जाएंगे अच्छे से आपके नेल्स, तो एकदम से ब्राइटन वाइटन हो जाएंगे, एकदम वाइटिश आपके नेल्स हो जाएंगे। और साथ ही साथ नेल ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट कर देगा। इसमें सिर्फ आपको ये और याद रखना है, आपको नेल कटर की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अगर आप नेल कटर से एक्सरसाइज नहीं करेंगे नेल्स की, तो आपके नेल्स इतनी जल्दी फास्ट ग्रोथ नहीं होगी जितनी जल्दी मेरे नेल्स की हो रही है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है नेल कटर वाला, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। जितनी भी रेमेडी डीआईवाई आप मेरा कोई भी यूज करें, उसमें आपको ये मेन जरूर याद रखना है, जो ये क्यूटिकल्स लाइन है, अगर ये आपकी स्किन से चिपकी रहेगी तो आपका नेल्स बहुत स्लोली निकलेगा और वर्क नहीं सही। यहाँ पीछे से भी अगर ये जो स्किन है आपको ये देखिए अंदर तक नजर आ रही होगी, ये कितनी अंदर, यहाँ तक मेरे नेल्स की स्किन है, इतनी अंदर रहना चाहिए। मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ, आप मेरा ये नेल्स देखिए एकदम येलो है, और साथ ही साथ यहाँ से आपको नेल्स दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक मेरे नेल्स की स्किन चली आई, मैंने इस पे नेल कटर अच्छे से एक्सरसाइज नहीं की थी। इसमें मैं रेगुलरली करती हूँ वाइटनिंग, और यहाँ के नेल्स की जो ये स्किन है पास की, ये आपको देखिए, यहाँ ये देखिए ये नजर आ रही है, ये मैं नेल कटर से एक्सरसाइज करना भूल गई थी, ये देखिए ऊपर तक आ गई है। अब इस नेल्स में देखिए आप कितनी अंदर है, ये देखिए बिल्कुल अंदर है, आपको नजर भी नहीं आ रही होगी। और इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर ही है, तो इसको आपको अंदर रखना है। तो ये एक्सरसाइज बताई है मैंने, दोनों हैंड्स में आप फर्क देख सकते हैं, एक नेल्स एकदम येलो है, एक एकदम वाइट है। तो आप आटा लगाइएगा, 100% आटा यूज करने से आपके नेल्स ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी, आपके नेल्स की ग्रोथ और साथ ही साथ वाइटिश भी हो जाएंगे, आपको यकीन नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि हम तो आटा रोज यूज करते हैं पर आप नेल कटर से एक्सरसाइज तो नहीं करते हैं, वो एक्सरसाइज पहले कीजिए और आटा यूज कीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए आपको कितना ज्यादा फायदा हुआ है। तो अब हम चलते हैं। आटे को हमने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपने नेल्स पे। आटे को अप्लाई करने के बाद, ड्राई होने के बाद आपको वॉश कर लेना है, ऐसे आपको एवरी डे करना है। अगर आप आटा घर पे मड़ते हैं तो आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं राइट हैंड से ही आटे को मड़ती हूँ, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करती हूँ। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड के नेल्स मेरे येलो हैं और राइट हैंड के वाइटिश हैं, क्योंकि आपके नेल्स को आटा वाइट तो करता है साथ ही साथ ग्रोथ भी बहुत फास्ट कर देता है। जो मैंने नेल कटर वाला वीडियो दिखाया था, जो नेल कटर से एक्सरसाइज करनी थी, वो भी मैं एवरी डे करती हूँ। एक ही प्रोसेस अगर हम स्किन को अपने ब्राइटन या लाइटन करने के लिए करते हैं, तो हम अच्छा अच्छा खाते पीते भी हैं और अच्छे से प्रोडक्ट्स भी लगाते हैं, फेस पैक, टोनर, जेल, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, तभी हमारी स्किन हेल्दी और सॉफ्ट रहती है। ऐसे ही आपको अपने हैंड्स के ऊपर भी करना है, हैंड्स का कलर भी हमारा बहुत ज्यादा सनटेन हो जाता है, नेल्स भी हमारे इतने अच्छे नहीं लगते जितना हमारा फेस लगता है। तो नेल्स को भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, पर आपके पास इतना बजट नहीं है, इसीलिए मैं ऐसी होम रेमेडीज लेके आती हूँ डीआईवाई, जो आपको पैसे खर्च करने ना पड़े। अगर आपने अभी तक मेरा सीरम नहीं देखा है कि घर पे ही कैसे सीरम बना सकते हैं, नेल ग्रोथ सीरम है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नेल्स की प्लेलिस्ट दे दूंगी, तो आप वहां से सारे मेरे नेल्स की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पे कर दीजिए, जिससे बहुत सारी नेल ग्रोथ की रेमेडीज, डीआईवाई और सीरम रेमेडीज सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो अब हम चलते हैं।